लक्ष की सच्चाई आती है, अभी मैंने भी सच्चाई आती है कि वो लक्ष्य है और रागिनी को देख कर आता है, रागिनी अपना हाथ काटा है और उसे मिल नहीं पाया, तो इसीलिए उसको थोड़ा रोना आता है कि अपनी आंखों के सामने देखी सारी सिचुएशन पर उसे रोक नहीं पाया क्योंकि कोई एक मिस्ट्री है जिस वजह से मैं फंसा हुआ हूँ। वो बच्ची जो आई थिंक अगर मैं उसको छोड़ के जाऊँगा तो मर जाएगी, ऐसा कुछ है, तो इस रीज़न से मैं उसके पास नहीं जा रहा रागिनी के पास। वैसे बच्चे के साथ हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है आपकी, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो, बहुत ही। हाँ बेसिकली मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, मेरा खुद का नेफ्यू है और मैं सोशल मीडिया पे उसके साथ वीडियोस भी डालता रहता हूँ, तो मुझे बच्चे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं क्योंकि उनमें मैं देखता हूँ अपने आप को कि भाई यही टाइम है, जी लो, ये तो बड़े हो जाओगे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ये पल कभी नहीं आएंगे कि 10 लोग आप गिर भी गए तो उठा रहे हैं, तो बस अच्छा लगता है बच्चों के साथ मुझे। वैसे शो में आपकी सच्चाई जो है वो धीरे धीरे अब रिवील होने शुरू हो चुकी है, तो मतलब आगे निखिल की भी एंट्री होने वाली है, किस तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा? निखिल से मिलने वाला, निखिल की सच्चाई पता चलने वाली है कि निखिल कौन है, क्या है, यहाँ क्या कर रहा था, और अभी मन्नी भी सच्चाई तो आई गई कि हाँ वो लक्ष्य था, तो मज़ा आ रहा है बस करते करते। वैसे ये जो आंसू है वो सिर्फ शो के लिए है या शो ऑफ एयर जा रहा है उसके लिए भी है? यार शो के ऑफ एयर जाने से मैं बिल्कुल भी अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, और क्योंकि मैं लास्ट के 2-3 महीने था भी नहीं शो में, जो और जिस हिसाब से होना चाहिए था, री एंट्री होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई, सो मुझे अपने पे दुख नहीं है, दुख उनको है जो थे और शो बंद हो गया होते हुए भी, सो आई एम नॉट अपसेट विद दिस कि आई एम तो लाइक कि आपने जैसा किया वैसा हुआ, यानी कि आप जैसी एंट्री चाहते थे वैसी एंट्री। हाँ नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, बट माई पॉइंट इज की स्टोरी ख़राब हो गई थी, इट्स अ फैक्ट हो गई थी, और कुछ गलत डिसीजन भी हुए लोगों के और वो सामने हैं, तो आई फील कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, गुड फॉर देम एंड गुड फॉर अस।